हाथ ऊपर। कुछ मिला? मिल गया, खजाना मिल गया। मारना मारना। आ जाएगी अभी, आ जाएगी। डोंट वरी, अभी आएगी आएगी आएगी। घबराइए मत प्लीज। ये प्ले खत्म हो गया। खजाना मिल गया हो ना, आना जल्दी आना। कैप्टन बहुत भारी है, लगता है बहुत बड़ा खजाना है। जो कुछ भी होना है यहाँ से जल्दी चलना, अगर वो इंस्पेक्टर बाहर आ जाना तो हमारा सारा खेल खराब हो जाना। जल्दी जल्दी स्टार्ट करना। बैठो बैठो बैठो, जल्दी जल्दी चलना। अरे क्यों नहीं चल रहा ये? थोड़ी देख दो। अरे गाड़ी आगे क्यों नहीं चलना? अरे चला रहा हूँ कैप्टन, नहीं जा रही आगे। चलाना। एक मिनट, नीचे तो देख लो। अरे गाड़ी का टायर कहाँ होना? हमें क्या पता। टायर नहीं है यार। नहीं है। तुमको क्या लगा था कि पुलिस ने कच्ची गोलियां खेली हैं? हाँ? अबे ये टायर हमने ही गायब किए हैं दोस्त। अब तुम्हारा यहाँ से बच के निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे मिस्टर डाला, फिक्र ना करिए, डायरेक्टली चौकी पहुँचिए, हम इनको लेकर आते वहाँ पर। बस आप इनकी वेलकम की तैयारी शुरू करी। चले जेल में। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे गुनहगार हो। अपना गुनाह कबूल कर लो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बात पूछूं? या इज़दा, मैं हूं तेरा भैया इज़दा। भैया मैं रोज आपकी जंपी करता हूं, और कई बार मैं जंपी करते करते इतना इमोशनल हो जाता हूं, इतना खो जाता हूं कि मैं आपकी ऐसी की तैसी भी कर देता हूं, फिर भी आप मुझी से जंपी क्यों करवाते? वेल, मैं तुझसे करता हूं प्यार इज़दा, इसलिए जंपी के लिए रहता हूं तैयार इज़दा। Well, तुम इतना रोमांटिक क्यों हो गए हो? इमोशनल। या दिस वन। ओ मारी भादो में ब्याही बहुरानी, खड़ी खड़ी टस हुए बहाती रहेगी या कुछ काम नाम कर लेगी, आंसू पोछ लेगी विदाई के? सॉरी सॉरी, क्या ना मैडम, मेरा दिल बड़ा कमजोर है। और इसका दिमाग।
आइए आइए। साइलेंट। ओ नारंगी इधर। मैडम के साइलेंट है। के साइलेंट है और मैडम वायलेंट है। अरे नहीं आप लोग समझे नहीं, के साइलेंट है ये मेरा तकिया कलाम है। वेल ब्रो खुदा युदा आरिज़दा, जल्दी बोलो वरना पड़ेगी मारिज़दा। बताता हूँ ना मैं दादाजी। मैडम मैं कुल्फी हूँ। कौन सी काजू या पिस्ता? अरे ना काजू ना पिस्ता, ये मेरा नाम है कुल्फी। कुल्फी फ्रॉम कटनी, मुझे अच्छी लगती है टोमेटो चटनी। के साइलेंट है। अबे यार के साइलेंट ने छोड़ ले, तू फूट ले अपने मुंह से कुछ, वरना इस जो है अंग्रेजी के देवता के फरिश्ते उड़ जाएंगे यहीं। Well bro, what is the matter is the सर्दी आ गई है, निकाल लो स्वेटर is the। चुप है। सॉरी। मैडम एक लड़की है। सुंदर है? अरे सुंदर है या छछुंदर है मुझे क्या पता। मैडम वो रोज रात मुझे मिलने आती है। अरे मुझे मिलने नहीं आती, केस साइलेंट है। वो मुझे रोज रात को फोन करती है और कहती है आई लव यू। दादाजी वो मुझे आई लव यू नहीं कहती, वो मुझे कहती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इस पर तो आपको खुश हो जाना चाहिए। एक लड़की आपसे इतना प्यार करती है कि वो आपको कह रही है कि आपको छोड़ेगी नहीं, वरना आप जैसी पर्सनालिटी पे तो फिर अरे वो मुझे इस तरह का छोड़ूंगी ऐसा नहीं कहती है, वो मुझे धमकी देती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैडम ऐसा कहती है, वो मुझे कहती है कि तुम गुनहगार हो, तुम्हारा गुनाह तुम कबूल करो। और मैडम वो है ना रात को ठीक ठीक 2:30 बजे मुझे फोन करती है। के बुरे कर्म करे हैं तने जो कबूल करवाना मांग रही है वो है? मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया है मैडम, आई डोंट नो, इवन मैंने तो उस लड़के को देखा तक नहीं है। के साइलेंट है। नाम क्या है उसका? मोनालिका। मोनालिका ठीक है, आज रात हमारी टीम आएगी तुम्हारे यहाँ रात को 2:30 बजे मोनालिका का फोन अटेंड करने। अच्छा तो ये है तुम्हारा घर? यस सर, ये मेरा घर है, ये मेरा बेड है, वो टेलीफोन है और उस टेलीफोन पे मोनालिका का फोन आता है रोज रात को 2:30 बजे। के साइलेंट है। देखो अंकल झूठ मत बोलो, आप सच सच बता दो कि मोनालिका नाम की लड़की के साथ में आपने लव की आइसक्रीम या मोहब्बत का रसगुल्ला खाया है ना? क्या बात करते हो, मुझे डायबिटीज है तो मैं आइसक्रीम वगैरह कैसे खा सकता हूँ? यहाँ तो इश्क का समोसा या प्यार का भजिया तो खाया ही होगा। देखो दोस्त सोच लो, हम सच कह रहे हैं कि सच की जगह अगर तुमने किसी लड़की को झूठ बोला है और उसे धोखा दिया है तो सच वाले सच की कसम हम तुम्हें इतना सूतेंगे, इतना सूतेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हम तुम्हें कितना सूतेंगे। इसीलिए सच्ची सच्ची बोल दो, सच बोल दो, वरना बाद में पछताओगे कि तुमने सच क्यों नहीं बोला। सर मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा है ना कोई लड़की के साथ लफड़ा नहीं है, केस साइलेंट है। अगर मैं पकड़ा जाऊँ ना तो आप मुझे ना जो सजा दोगे ना मुझे मंजूर है। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मोनालिका क्या कोई कोमलिका के साथ भी मेरा कोई लफड़ा नहीं है, केस साइलेंट है सर। अच्छी हाँ मुच्ची। चलो ठीक है फिर 2:30 बजने वाले हैं, पता चल जाएगा तुम सच बोल रहे हो या झूठ। मैं मोनालिका बोल रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे गुनहगार हो, अपना गुनाह कबूल कर लो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब आप ही बताइए सर कि मैं क्या करूं, के साइलेंट है।
आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे केस का कुछ पता चला? केस साइलेंट है। Well, don't worry, my friend is the, अब नहीं बजेगा तुम्हारा बैंड is the. Thank you sir, thank you very much. Come on, welcome. Yeah. एक चाय और दो समोसे बोल देना। चपेट मारूंगा कान के नीचे, अच्छा ज्यादा फैलो मत। अरे आ गए आप। हमने मैडम को सब कुछ बता दिया आपके बारे में और वो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लेंगे। मूछे कटवा लो बस। अरे तुम, हाँ भाई तुम्हारा कर रहे हैं, एकदम प्रोग्रेस चल रही है। ये अपना गुलगुले गया हुआ है टेलीफोन एक्सचेंज में, वो पता लगाएगा कि कौन है ये छोरी मोनालिका जो तुम्हारे जो है रात को 2:30 बजे फोन करके 1:30 बजा रही। हेलो गोप्स हियर। ये हेलो बोल गुलगुले। हाँ है, नहीं तेने खान पान में। अच्छा ये फोन रख। वेल व्हाई दिस, आपका ये चौंकना इज्दा, मुझे देख के शुरू कर देते हैं कुत्ते भौंकना इज्दा। कुत्ते समझदार। पता लग गया है कहाँ से कर रही मोनाली का तेने फोन। कहाँ से मैडम? और कहीं से नहीं बल्कि इसको फोन टेलीफोन एक्सचेंज से ही आ रहा है। मतलब वो मोनालिका टेलीफोन एक्सचेंज में काम करती है। गोपी। या हाय हाय या मॉम, जा जाके पता लगा टेलीफोन एक्सचेंज से कि रात की नाइट ड्यूटी कौन कर रहा है, उसे धर के ला। ओके मैडम, नाइट ड्यूटी तो रात को ही होती है ना। हाँ तो मैंने, आपने कहा कि रात को नाइट ड्यूटी कौन करती है वो जरा देख के आया मैंने। चल हट, के साइलेंट है। और पूछना कुछ? हाँ एक चाय दो समोसे। आओ इधर। आइए आइए। अरे आ जाओ, आप की चौकी कहाँ रहे? Follow him. Mom. Mom. अरे Well mom, she is a telephone exchange वाला is the, मेरी सास ने मुझसे साफ करवाया मकड़ी का जाला is the है। मतलब तू हो रहा है टेलीफोन विभाग का कर्म से, इधर देख के बात कर ले। कर्मचारी कंसर्न्ड पर्सन तू है। हाँ मैडम, हम यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारी, हमारा नाम है ब्रह्मचारी, हंसी नाम हुड़दंग है। एक महीने से नाइट ड्यूटी तू कर रहा है। हाँ मैडम, हम यहाँ नाइट ड्यूटी कर रहे, परेशान होकर पैसा तक नहीं दे रहे, लेकिन नाइट ड्यूटी में बहुत दिक्कतें होती है। खैर वो सब छोड़ो, फालतू की बातें, आप बताओ आपने काय के लाने बुलाओ। जरा धीरे बोल ले, समझ में ना आ रहा, सब टाइटल चलाने पड़ेंगे। ठीक है हम जो पूछ रहे कि आपने हमें काय के लाने बुलाओ, ये सब तो फालतू की बातें हैं। देखो दोस्त, ये जो महाशय यहाँ पे बैठे हैं, इन्हें रोज रात को ठीक 2:30 बजे एक लड़की लैंडलाइन पे फोन करके धमकियां दे रही है। कौन सी लड़की फोन कर रही? हसी नाम हुड़दंग है। Well, उसका नाम है मोनालिका इज्दा, मैं हूँ हुस्न की नगर पालिका इज्दा। नहीं है ऐसा तू। सॉरी। हमने ये भी पता लगाया है साथ साथ कि वो फोन कहीं और से नहीं बल्कि टेलीफोन एक्सचेंज से ही आ रहे हैं। Yes! अब अगर नाइट ड्यूटी में तू बैठा अंडे दे रहा है तो फिर कहाँ से आ रहा है फोन रात को 2:30 बजे? कौन कर रहा फोन टेलीफोन एक्सचेंज के नंबर से? देखो मैडम, हम टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारी बाल ब्रह्मचारी आपको जो बता रहे कि देखो, पूरी रात ड्यूटी तो हम ही कर रहे हैं, और जहां तक हमें फील है पूरों को पूरों के हम पुरुष हैं, हमारी आवाज भी पुरुष की है। और आपने अभी बताई अपने केस में कि आवाज आपकी लड़की की समझ में आ रही, तो ऐसे केस में क्या है, हमें अब पूरा मामला अब समझ में आ रहा है कि ये क्रॉस कनेक्शन का मामला है। ये क्रॉस कनेक्शन मतलब क्रॉस कनेक्शन में ऐसा हो सके? अजीब सा आपके यहाँ पर, पता नहीं क्या। खैर हम घर पे जाके कर लेंगे। हाँ क्रॉस कनेक्शन में मैडम क्या होता, आप लोग तो फोन यूज करती ना, फोन में क्या तरंगों से काम हो रहा है आप लोगों को कुछ पता नहीं, हम बता रहे हैं। उसमें क्या आया कि जब लैंडलाइन की बात होती ना, तार आपस में कभी कभी गर्मी पड़ती ना, गर्मी के जून के महीने में गर्मी पड़ती है, तो आपस में फोन ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे आपस में लिपट के बिल्कुल ना, ऐसे दोनों मिलके ऐसे कभी कभी गुत्थम गुत्था हो जाती तारों में, ऐसे चिपक जाती बिल्कुल ऐसे।
ऐसी ऐसी अजीब सो हो जाते हैं, ऐसी 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 बुरी तरीके से चिपक जाती है। और जब फिर सर्दी पड़ती है जूता उतर गया, देखो पता है ऐसा है, फिर जब सर्दी होती है तो दूर दूर निकलते हैं, तो जब गर्मी में ऐसे चिपक जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक तार दूसरी तार से जुड़ जाता, नंबर बदल जाती। मतलब आपने हमें जैसे फोन किया तो आपका फोन रहेगा, नंबर दूसरे का दिखाई देगा, तो ऐसा हो जाता है उसमें। हसीना में हुड़दंग है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम पता लगाते हैं। और तू बर्फी अपना कुल्फी के साइलेंट है। अबे के साइलेंट ने मार गोली, यो बता किसी पे शक बक है तेरे कि ना है? शक मीन्स डाउट। तो हाँ मैडम, हमारे एक पड़ोसी है जो हमेशा अपने घर पे लेके जाते हैं, तब उनकी जो बेटी है ना वो 24 घंटे फोन पे बतियाती रहती है। ऐसी बात है तो फिर बुलवाओ अंकल जी ने। ओके के कर रहा है यार? अरे लगता है हमारे कनेक्शन बिगड़ गए जी का। अरे घर जा रहे हम जाने का। वाल मॉम फिर से आओ। मॉम शी इज आंटी इज द अंकल। या दिस वन। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने हमें बुलाया टेस ले लेके? अरे अरे बेटा कुल्फी, अरे तुम यहाँ बैठे हुए हो और वहां पे कुमारी बिटिया जो है तुम्हारे लिए कद्दू का बहुत अच्छा हलवा बनाया। अच्छा उठो और चलो कद्दू का हलवा खाओ चल के टेस्ट ले लेके। कद्दू का हलवा तो तुम्हारे घर में बना है अंकल जी। अगर तो तुम यो ना चाह रहे हो कि तुम्हारा हम यहाँ भरता बना दे, तो जिस काम के लिए बुलवाया गया उसका जवाब दे लो क्वेश्चंस का सीधे खड़े रह के। जी जी आप पूछिए, हम सब कुछ बताएंगे, टेस्ट ले ले। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द कानपुर में ट्रैफिक जैम इज द? अरे दादाजी मैं भतीजा हूँ टेस्ट ले लेके। अरे लेकिन दिखने में तो एकदम अंकल हैं आप। अरे भैया मैं अंकल हूँ लेकिन हमारा नाम भतीजा है, हमारा पूरा नाम है भतीजा भदौरिया टेस्ट ले लेके। और आपकी एक लड़की भी है जो दिन रात सिर्फ फोन पे लगी रहती है। हाँ भैया वो कुंवारी है, नाम से भी और वैसे भी। और इसलिए इस कुल्फी को तुम्हारी छोरी खूब फोन कर करके जो है धमका रही डरा रही ताकि वो उससे शादी कर ले, है ना? ये अरे मैडम जी हम तो सरेआम इसे जो है शादी का बकरा बनाना चाहते हैं। टेस्ट ले लेके। बस तो फिर बात क्लियर है, इनकी छोरी फोन कर रही रात को 2:30 बजे कुल्फी को और डरा धमका रही, अरेस्ट करो इनकी लड़की ने। अरे मैडम जी ये आप क्या कह रही है? अरे आपको हमारी बिटिया के बारे में नहीं पता है? आपको पता है हमारी जो बिटिया है ना, अरे सोने में वो मां धाकड़ है। हाँ, अरे वो रात के 10 बजे सोती है तो सुबह 10 बजे उठती है। अब आप ही बताइए तो फिर वो कैसे 2:30 बजे रात में इनको फोन करेगी टेस्ट ले लेके? भैया ऐसा है बीआर पुलिस, लेकिन इस चौकी में जो आवे है हमें समझे बालक और खूब जो है कर जावे बकवास है हमारे सामने। एक बकवास यो कर रहा और एक बकवास कर गया वो टेलीफोन एक्सचेंज वाला। जरा आज रात उसके घर जाओ और चुपके से तलाशी लो। मन ने दिखे कि कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा।